दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वेपोराइजर या स्टीमर या आप कहें फेशियल सोना के बारे में। दोस्तों ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है जो कि एक बहुत अच्छी बात है और देखने में कुछ इस प्रकार का आइटम है बॉक्स के अंदर। और दोस्तों इसका जो उपयोग है आप यहाँ पढ़ सकते हैं, नॉर्मली कोल्ड वगैरह के लिए, स्टफी हेड, नोज कंडीशन, हैवी फीवर, अस्थमा और थ्रोट इरिटेशन, ये नॉर्मल टाइप की चीज़ों के लिए है। और लेकिन दोस्तों आज के टाइम में इस पेंडेमिक में इसका उपयोग काफ़ी बढ़ गया है और वाकई में सभी को इसका उपयोग थोड़ा सा करना ही चाहिए दिन में एक बार कम से कम। तो दोस्तों इस प्रकार का बॉक्स में ये आता है और यहाँ आपको मिल जाएगा इसका MRP। दोस्तों इसका MRP है 425 रुपी, लेकिन दोस्तों इसका मैंने लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप वहाँ से परचेज करेंगे तो आपको इस कीमत से काफ़ी कम कीमत में मिल जाएगा। दोस्तों ये 24 वाट पर काम करता है। यहाँ पर दोस्तों कुछ जानकारी वगैरह दी गई है आपको, जो फेशियल सोना है उसका यूज किस प्रकार से करना है, क्या क्या इसमें कॉशंस हैं, आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों चलिए इसको ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है और किस प्रकार की क्वालिटी का आइटम है। दोस्तों मैंने बॉक्स कर दिया है ओपन। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें मिलता है ये मेन इसका जो डिवाइस है वो, ये दोस्तों इसका मेन डिवाइस है और नीचे ये जार है, इस जार के अंदर पानी इकट्ठा होता है। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको इसका उपयोग करना है दोस्तों। और अंदर मिलता है एक ये वाला पीस, इस पीस का उपयोग है जब आपको डायरेक्ट भाप या आप कहें स्टीम लेनी है, आप उसको सप्लाई में लगाइए, अभी इस होल से जो भाप है वो बाहर आएगी और आप सामने बैठ के भाप ले सकते हैं। अब दोस्तों सपोज आपको सोना वगैरह यूज करना है या फेशियल वगैरह के लिए यूज करना है, दैट टाइम आप इस वाले पीस का यूज कर सकते हैं। उस टाइम आपको सिंपल इस जार में इस पीस को ऊपर से इस प्रकार से रख देना है और आप इसके ऊपर अपना फेस करके इस प्रकार से और भाप को ले भी सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका है और इसका जो उपयोग है वो किस प्रकार से है वो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको कौन सा पानी यूज करना है और आपको ये कैसे चलाना है। अभी हमने इसको कर दिया है कनेक्ट इस वायर के थ्रू। अभी दोस्तों अंदर से आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई है और स्टीम प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई है। दोस्तों अभी अगर आपको सामने बैठ के स्टीम लेनी है तो आप इस बाहरी पार्ट को यहाँ लगा दीजिए और इस होल से सामने स्टीम आनी स्टार्ट हो गई है। दोस्तों मेरे सामने स्टीम आ रही है, अब मैं सामने इसके अपना फेस करके और धीरे धीरे स्टीम ले सकता हूँ, या फिर दोस्तों अगर आपको इसके थ्रू स्टीम लेनी है तो और अच्छी बात है, आप इसको यहाँ लगाइए और सामने दोस्तों बैठ जाइए, आपको स्टीम मिलती रहेगी और आप मुंह के द्वारा स्टीम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था स्टीम लेने का। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें इस स्टीमर के अंदर RO वाटर या फिर मिनरल वाटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके भी एक सिंपल थ्योरी है, क्योंकि RO वाटर और जो मिनरल वाटर हैं उसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं या फिर बहुत कम होती हैं, उससे क्या होता है जो पानी की कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है और इसका जो हीटिंग वाला जो फंक्शन है वो काम नहीं करता है। इसके अंदर हीटिंग तभी होगी जब कंडक्टिविटी होगी। तो दोस्तों इसलिए इसमें कहा जाता है और बॉक्स के ऊपर भी लिखा होता है, और जब आप ऑनलाइन नीचे लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ भी लिखा होगा डोंट यूज RO / मिनरल वाटर। तो दोस्तों इसलिए हम इसमें RO या मिनरल वाटर का उपयोग नहीं कर सकते, आपको सिंपल वाटर का उपयोग करना है। बाकी दोस्तों अगर आप अभी सुनेंगे तो इसमें एक आपको हल्की सी आवाज़ आ रही होगी, मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पानी अंदर बल हो रहा है और ऊपर भाप आ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप घर पर बैठे बैठे स्टीम को ले सकते हैं और इस पेंडेमिक के टाइम अपने आप को थोड़ा सा सेफ कर सकते हैं। तो ये था इन दोनों डिवाइस का उपयोग। बाकी दोस्तों बात रही क्वालिटी की, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है आइटम की, कीमत भी काफ़ी कम है, तो अपनी तरफ से थम्स अप है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर एक बार जाके लिंक पर क्लिक करके इसका लेटेस्ट प्राइस भी चेक कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में।